नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्र के पदों के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए और यह नोटिफिकेशन राजनांदगांव जिले के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया है। तो आपको इसके लिए फॉर्म भरने के लिए जो डेट जारी किया गया है, अंतिम डेट रहेगा 27/8/2024 तक आपको आवेदन करना है और यह आवेदन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से आपको भेजना है 27 अगस्त तक। इसके लिए जो योजना का नाम है यहाँ पर आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के तहत चयन हेतु यह योग्यता के साथ ही आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। यह नोटिफिकेशन को जारी किया गया, यह PDF दोस्तों आपको rajnandgaon.nic.in पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो फॉर्म का लिंक रहेगा और जो फॉर्म रहेगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। तो इसका फॉर्म किस प्रकार से और कैसे भरना है इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यह है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्र और समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जनपद पंचायत का नाम यहाँ पर लिखें, किस जनपद पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं यहाँ पर राजनांदगांव में। अगर आप किसी अन्य जिला के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस जिले के किस जनपद पंचायत में आते हैं उसको लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर जिस पते में आपको फॉर्म भेजना है इस प्रकार से लिखा हुआ आया है। उसके पश्चात अभ्यर्थी का नाम रहेगा हिंदी में, आपको अंक सूची के अनुसार हिंदी में आपको अपने नाम को लिखना है, कोई भी अभ्यर्थी है जो फॉर्म भर रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर आवेदक का प्रति जो है, आवेदक अपने अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर आपको फ़ोटो चस्पा करना है स्व प्रमाणित करके, यहाँ पर आपका आधा सिग्नेचर बाहर निकलना है, आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो में रहेगा। उसके पश्चात आवेदक का नाम का आपको कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है अंग्रेजी में, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में आपको लिखना है, जो हिंदी में नाम लिखे रहेंगे उसी को यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके पश्चात आता है पिता और पति का नाम हिंदी में, अगर आप अपने पिता या पति का नाम लिखना चाहते हैं किसको भी जिस भी नाम को लिखना चाहते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के पश्चात अपने नाम को इंग्लिश में लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी आपको इंग्लिश में लिखना होगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 3, जन्म तिथि अंक में, आपको अपने जन्म तिथि को यहाँ पर लिखना है अंकों में, जिसमें भी आपका जन्म तिथि है, आप जो एज है इसका चयन का 1 जनवरी 2024 के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। 1 जनवरी के आधार पर अगर आपका आयु 18 वर्ष हो चुका है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। और आपको जो आयु का जो प्रमाण पत्र है, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट को यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य करेंगे यहाँ पर है। उसके पश्चात आप यहाँ पर 3.1 में आप महिला हैं या पुरुष है उसको यहाँ पर आपको टिक लगाएंगे और बगल में आपको लिख देना है। उसके पश्चात शब्दों में आपको अपना जन्म तिथि को लिखेंगे, जैसे आपका जन्म तिथि है 26, उसके पश्चात जो भी मंथ है आप इस प्रकार से आपको लिखना है। अपना सबसे पहले आप अपने जन्म तिथि को लिखेंगे, फिर महीने को लिखेंगे, फिर वर्ष को लिखेंगे। उसके पश्चात दोस्तों 1/1/2024 की स्थिति में आपका आयु कितने वर्ष का है, कितने वर्ष के आप हैं, आपका कितने महीना चल रहा है अभी और कितने दिन का है अभी, उसको 1/1/2024 के आधार पर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर जाति आपको लिखना है, आप जाति में किस जाति के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य, अब जिस कैटेगरी में आते हैं उसको इस प्रकार टिक लगा देना है और यहाँ पर आपको उसको लिख देना है। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पर आपको चिन्ह लगा देना है, राइट चिन्ह, उसके पश्चात यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके पश्चात दोस्तों आप आते हैं 5वें नंबर पर कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, हैं तो यहाँ पर हाँ पर लिखेंगे और छत्तीसगढ़ मूल निवास का प्रमाण पत्र जो आपका तहसील के द्वारा जो जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र है उसका छाया प्रति फोटो कॉपी सत्यापित करके, स्वयं सत्यापित करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे नीचे में और उसको आपको लगाना है फॉर्म के साथ में। उसके पश्चात 6वें नंबर पर है कि आप विकलांग हैं, निःशक्त हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अगर हैं तो हाँ पर लिखेंगे तो कितना परसेंट है उसको लिखेंगे, और निःशक्त होने का अवस्था लिखेंगे, मतलब किस प्रकार से आप विकलांग हैं, निःशक्त हैं, जैसे अयुषी, श्रवण, दृष्टि या अन्य, उसके पास लिखेंगे। उसके पास आता है आपका प्रमाण पत्र कौन सा है आपके पास, प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देख पाएंगे जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया वैध है या अद्यतन अपडेट या निःशक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति सत्यापित करने के साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके पश्चात 7वें नंबर पर कि आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं, जो आपका शैक्षणिक योग्यता कहा गया फॉर्म में उसको आप पूर्ण करते हैं या नहीं, अगर
पूर्ण करते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ में लिखना है, अगर नहीं करते हैं तो नहीं पर, लेकिन हाँ में ही लिखना है आपको अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। उसके पास आता है आपका शैक्षणिक योग्यता, आपका शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर लिखना है। आप शैक्षणिक योग्यता का फोटोकॉपी कराएंगे, उसको स्वसत्यापित करेंगे और इस फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। तो आपका कौन कौन सा योग्यता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। हाई स्कूल आपका 10वीं क्लास है, किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए हैं, फिर आप किस विषय के साथ आप उत्तीर्ण हुए हैं, फिर किस बोर्ड के से पास आउट हुए हैं या किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उसको लिखेंगे। फिर आपका प्राप्त अंक और पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, आपको कितने में कितने मिला है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 600 में आपका कितना मिला है उसको लिखेंगे, जितना भी आपको मिला रहेगा दोनों को लिखेंगे आपको। उसके पश्चात यहाँ पर आपका कितना प्रतिशत बन रहा है उसको यहाँ पर आपको लिखेंगे। फिर हायर सेकेंडरी 12वीं का लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, किस विषय के साथ आप 12वीं को पास आउट किए हैं और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए हैं उसको लिखेंगे, किस राज्य के बोर्ड से आपको किए हैं उसको लिखेंगे। फिर पूर्णांक और प्राप्तांक आपको लिखना है और प्रतिशत यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके पश्चात आता है अगर आप एमए किए हैं ग्रामीण विकास से तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तीर्ण वर्ष, अगर नहीं किए हैं तो छोड़ देना है, जो नहीं किए हैं उसको छोड़ देना है, जो किए हैं उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। और किस विषय के साथ किए हैं, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, कितना में आपको कितना मिला है, कितना प्रतिशत बना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप चौथे पर आता है बी सिविल डिप्लोमा सिविल, अगर आप किए हैं तो ही इन सब को आपको लिखना है बारी बारी से, अगर नहीं किए हैं तो छोड़ देना है, आपको किसी भी प्रकार से और एक्स्ट्रा जानकारी नहीं भरना है अगर किए रहेंगे तो। अन्य विज्ञापन में निर्देश, अगर जैसे कि विज्ञापन में और कुछ कहा गया है जैसे कि अनुभव के रूप में तो उसको यहाँ पर आपको लिखेंगे अन्य में, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आपको आता है यहाँ पर या 9 नंबर पर आता है भूतपूर्व सैनिक, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हाँ है तो प्रमाण पत्र के साथ आपको फोटोकॉपी करा कर संलग्न करना है फॉर्म के साथ। उसके पश्चात आपका पता यहाँ पर आपको एड्रेस को आपको लिखना है, मोबाइल नंबर सहित यहाँ पर आपको लिखना है अपना एड्रेस क्या है। उसके पश्चात आपका स्थायी पता परमानेंट एड्रेस क्या है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, दोनों सेम है तो दोनों जगह आपको सेम ही एड्रेस को लिखना है। उसके पश्चात आता है दोस्तों 12वें नंबर पर, क्या आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र हैं या नहीं, अगर हैं तो इसको आपको भरना है, या आप बेयरफुट टेक्नीशियन हैं या महिला स्व सहायता समूह के सदस्य हैं या बैंक सखी के रूप में कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं, या सभी जानकारी को आप यहां पर भरेंगे क्योंकि इसके लिए आपको अंक दिया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखना है, कार्यरत पद, किस पद पर आप हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, रहे हैं या थे उसको लिखेंगे। उसके पश्चात किस कार्यालय, अपने कार्यालय का नाम को लिखेंगे, कार्यालय आपका कहाँ था, किस कार्यालय के अंतर्गत आप काम करते हैं, उसके पश्चात कार्यरत का अवधि कब से कब तक आप काम किए हैं उसको यहाँ पर आपको लिखेंगे और इसका प्रमाण पत्र को आपको संलग्न कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों अब आते हैं वैवाहिक स्थिति, कि आपका शादीशुदा है या नहीं, वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर लिखना है, विवाहित हैं या अविवाहित यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप विवाहित हैं तो उसका तिथि को लिखेंगे और आपका कितना बच्चा है उसको लिखेंगे और सभी बच्चे का जन्म तिथि को आपको यहाँ पर लिखना है और उसके साथ ही आपके को जो प्रमाण पत्र है विवाह का उस प्रमाण पत्र को आपको संलग्न करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार से जानकारी है, विवाहित अभ्यर्थी शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात यह घोषणा पत्र कहा गया, उसके पश्चात जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर अपना दस्तखत करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको यहाँ पर, हाई स्कूल का अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, हायर सेकेंडरी कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अब जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उन सभी पर आपको टिक लगाते हुए जाना है और सभी को एक लिफाफे में भर के फॉर्म को भर के सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो एड्रेस दिया गया है यह फॉर्म में उसी में आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम। आप जितना जल्दी हो सके आप अपना इस फॉर्म को भेज दें। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लिस्ट जारी किया जाएगा वो कहाँ जारी किया जाएगा अब डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जैसे जिला पंचायत जनपद पंचायत के सूचना पोर्टल पर भी चस्पा किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है जो लिस्ट जारी किया जाएगा, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।